लोकसभा चुनाव 2019 में खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर 19 मई को होने वाले मतदान को लेकर पार्टियों के प्रत्याशी अपना अपना नामांकन जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष दाखिल कर रहे हैं। इसी के चलते आज खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र उमराव सिंह पटेल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर पटेल के साथ पार्टी के कई बड़े नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आज मैंने भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस खरगोन लोकसभा का प्रत्याशी होने के नाते मुहूर्त का फॉर्म भरा है। कुल मिला के विभिन्न प्रकार के मुद्दे इस देश और क्षेत्र में हैं। पिछले 5 साल के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल को लेकर उनके द्वारा दी गई छोटे से छोटे लोगों से लेकर समाज के सभी वर्गों के लिए जो सुविधाओं की योजना लागू करी है वो जमीन तक उतरे और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जो समस्याओं को लेकर जो काम चल रहे हैं, जैसे पिछले कई लोकसभा के चुनाव में कई प्रकार के दलों ने यहाँ पर रेल सुविधाओं की बात की थी, पर हमें गर्व होता है कि विगत 5 सालों की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इंदौर मलमाड़ रेल स्वीकृत की गई, उसका काम चल रहा है और हमें गर्व है कि वो हमारी सरकार में पूरी होगी और हमारी सरकार में ही ट्रेन लाइन चलेगी और इस क्षेत्र में कई विकास के आयाम करने की ज़रूरत है और उसको लेकर हम व्यापक तैयारी कर रहे हैं। हम चुनाव की भूमिका में हैं और इस क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 साल हम अच्छी भूमिका में काम करेंगे और विभिन्न प्रकार के